नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लान की जो चारों तरफ से ओपन है, मतलब कि उसके वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। हमारे एक पेड यूजर हैं, उन्होंने हमें बोला था कि 25x30 का एक ऐसा प्लान दीजिए जिसमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो और साथ साथ बजट बहुत ही कम रहे। तो उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को मैंने क्रिएट किया है। उनके पास खेत होगा शायद और उसके बीचों बीच वो घर बनवा रहे हैं, आसपास उनके पास जगह बहुत है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनका पूरा डिटेल के साथ मैं मॉडल क्रिएट किया है। और इस मॉडल को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप इसके 2D प्लान वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी, जैसे कि मॉडल के डिजाइन कैसे बनाने हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो वो भी डिटेल मिलेगी, आप अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग कराना चाहते हैं तो उन सभी का प्राइस, जैसे PVC पैनल्स हो गए, WPC पैनल्स हो गए, सभी के प्राइस लिस्ट वहां पर दी है, तो आप एक बार जरूर विजिट करें। तो आज के प्लान को हम डिस्कस करने के लिए आपको ले चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों जिस हम प्लान की बात कर रहे थे 25x30 की, वो ये प्लान होने वाला जो कि एक मिड खेत में बना है, फील्ड में बना है, क्योंकि इसमें चारों तरफ से आप देख सकते होंगे विंडो और बालकनी निकली हुई है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास चारों तरफ जगह हो। तो देख सकते हैं विंडो भी चारों तरफ बना दिया है मैंने और बालकनी भी चारों तरफ 2.5 फीट का अप्रॉक्स निकाल दिया है। तो इसी प्लान को आज हम डिस्कस करने की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रंट की, तो ये इसका फ्रंट होने वाला है। मैं इसे जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा और ये फ्रंट से एक मैंने छोटा सा बारंदा दिया है और इसके बाद ये एक गेस्ट रूम है जिसमें एक विंडो आपको दिया है मैंने और साइड से भी रोड है, मतलब की जगह है, इस वजह से साइड में भी रोड दिया है। तो इस कॉर्नर वाले बेडरूम्स में आपको 2 विंडो मिलेंगी तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉप से भी देखिएगा यहाँ पर ये दोस्तों गुमटी या टावर बना हुआ है जो कि स्टेयर्स को ढकने के लिए काम आता है। तो अब हम इस मॉडल के ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो सबसे पहले आप तो अगर इसके हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ग्राउंड फ्लोर होने वाला है। और सबसे पहले मैं टॉप व्यू इसका दिखाना चाहूंगा जिससे आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएं। और अभी A to Z सारी जानकारी आपको देने वाला हूं कि कहां से आपको टी करनी है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ से ओपन है बट ऐसा नहीं है। आपके अगर फ्रंट की बात करें तो इधर से आपकी एंट्री होने वाली है, मेन एंट्री इधर से होगी। एक पिलर है जिस पर आपका बीम टिका और उस पर मैंने डिजाइन कुछ दिया है। जैसा आप एंट्री करते तो आप बारंदे में आ जाते हैं। दोस्तों बारंदे से आपको 2 गेट दिख रहे होंगे, तो एक ये जो लेफ्ट हैंड पर आपको डोर दिख रहा है, ये दोस्तों गेस्ट रूम में एंट्री करने के लिए मैंने बनाया है। आप बारंदे से इस गेस्ट रूम को एक्सेस कर सकते हैं इस डोर से। इसके बाद आपको एक ये डोर दिख रहा है, इससे आप अंदर जाएंगे जो कि आपका मेन मकान है, जहां जिसे आप आंगन बोल सकते हैं, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। और यहाँ पर भी मैंने एक विंडो दिया है जो कि स्टेयर्स के साइड में खुलता है जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेयर मिल जाती है राइट हैंड साइड में, जिसे आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे टर्न होंगे और इसके बाद फिर से आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। उसी के नीचे लेट बाथ को मैंने एडजस्ट किया है। आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पीछे 2 बेडरूम देखने को मिलेंगे, अलग अलग मैंने ढूंढ दिया है, और इधर आपका किचन एरिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस बेडरूम्स में वेंटिलेशन के लिए, तो जो इस कॉर्नर पर है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक विंडो है और इधर भी विंडो है। तो इस वाले कॉर्नर का जो बेडरूम है इसमें भी आपको 2 विंडो देखने को मिलती है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और इधर वाले जो कॉर्नर पर आपका एक बेडरूम है उसमें भी आपको 2 विंडोज देखने को मिलेगी। अगर फ्रंट से बात करें, ये आपका किचन एरिया था, किचन में मैंने भी साइड से एक विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होता रहे। तो ये मकान बात करें 25x30 में एक परफेक्ट मकान है। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको गेस्ट रूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, लेट बाथ, किचन, स्टेयर्स और बारंदे की, तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप इसका 2D प्लान हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल मॉडल 25x30 का होने वाला है जो आज हम डिस्कस कर रहे थे। अगर बात करें इसके लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर दोस्तों आप देखिए जो बालकनी निकली है ना, लगभग 2.5 फुट की चारों तरफ है, क्योंकि स्पेस सभी की जगह है। तो आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे छत पर, तो आपको एक खूबसूरत सी बालकनी मिलेगी जो चारों तरफ है। यहाँ पर कॉर्नर को मैंने दोस्तों एल शेप में डिजाइन किया है, आप देख सकते होंगे एल शेप में कॉर्नर, चारों कॉर्नर ऐसे सिमिलर डिजाइन हुए हैं। और इसके बाद जो स्पेस बचता है उसको 2 भागों में डिवाइड करके एक नॉर्मल सी ग्रिल लगाई, यहाँ पे यहाँ स्टील या आयरन, जिसकी भी आपका जो भी बजट अलाउ करे उसकी ग्रिल लगवा सकते हैं। और ये बेहतरीन सा डिजाइन आपके सामने बनकर ओवरऑल रेडी हो जाता है 25x30 में, लगभग
750 स्क्वायर फीट में। तो अगर इसके बजट की बात करें तो वो सारा हम डिस्कस करते हैं, बट वो हमारी पेड सर्विस रहती है, तो जो हमारे कस्टमर थे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया। तो आप भी कोई अगर 2D प्लान या 3D प्लान चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे पेड सर्विस का इस्तेमाल जरूर करिएगा जिसका लिंक आपको, जिसका मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉल नहीं लगेगा उस पर, केवल आपसे चैट करिएगा, और 50% पेमेंट एडवांस करना होता है, 50% बाद में करना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड मॉडल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई भी सवाल है घर से संबंधित तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।